आज सुनेंगे 25 अक्टूबर 1969 की अव्यक्त वाणी, माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं? आज यही देखने आए हैं कि हरेक रत्न अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। तो आज परिवर्तन देखने के लिए आए हैं। हरेक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखने चाहते हैं उसको भी जानते हो ना? बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखने चाहते हैं। परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी लाई। बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना? तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी, जो प्रलब्ध मिलती है वह भी अविनाशी। तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है। वह सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा, न मालूम कौन सी परिस्थितियां आए, न मालूम परिपक्व रह सके वह नहीं। वायदा तो करके जाते हैं, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। एक तो यह सोचते हैं, फिर दूसरे है निश्चय बुद्धि, जिन्हों का बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे, और जो वायदा करके जाते हैं वह करके दिखाएंगे। वह संपूर्ण निश्चय बुद्धि, और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करते रहेंगे? ऐसे पुरुषार्थी को जाटकू कहेंगे। देवियों पर बलि चढ़ते हैं तो शक्तियाँ व देवियाँ ही बिगड़ जाटकू स्वीकार नहीं करती है। तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है? अगर यहाँ स्वीकार न किया तो स्वर्ग में ऊंच पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है, जो कहना है वही करना है। अंडरलाइन करेंगे, सोचना, कहना, करना तीनों ही एक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय कई ऐसे बच्चे हैं जो सोचते बहुत हैं, कहते भी बहुत हैं, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। इसीलिए कहा था इस भट्टी में पका कर जाना, अर्थात पक्का वायदा करके जाना है। पहले तो वायदा करने लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वह कभी हार नहीं खाते। अगर आप सभी हिम्मतवान हो तो जरूर आज से कभी हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजयी माला के मणके बनते हैं। अगर विजयी माला में पिरोने चाहते हैं तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा।
परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है, बहुत सहज है। दो शब्द याद रखना है, एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा हसित मुख। आकर्षण करने वाला ही रूह रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर यह दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजय है ही। मेजोरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है, वह भी आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमग देता है। मुख्य कमी यह है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। यह न होने के कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए भी फिर यही वही बात कर लेते हैं। इसका कारण यह है, कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा देवी परिवार के संबंध में आने में भी, कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, ये पूरी पावर न होने कारण सफल नहीं होते हो। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज को कहाँ बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने के लिए भी कई चीज़ों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ता है? बाबा मिसाल देते हैं, पतंग कब उड़ता है, पतंग कब उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने लिए क्या किया जाता है? यह ऐसे है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों में हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज़ होती है? आत्मा, बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने लिए फुल स्टॉप करना होता है ना, तो आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। कोमा लगाने आता है या क्वेश्चन करने भी आता है? अजब की निशानी भी लगाने आती है लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है लेकिन अपने कर्मों के ऊपर यह निशानियां लगाना इसमें मुश्किल क्यों? कागज पर निशानियां लगाते हो और जो निशानी जहां लगानी है वहां ही लगती है। इसको कहा जाता है प्रवीण। अगर कोमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहां क्वेश्चन करना है वहां क्वेश्चन न कर तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में,
अजब की निशानी की सब बात में फुल स्टॉप की सब बात में देना है, यह पूरी पहचान न होने कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसी समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है, इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो और बैलेंस निकालना भी सीखे हो, ऐसे नहीं सिर्फ जोड़ किया कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो न औरों को दे सकेंगे, न अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह भी देखना है कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना और खाना वह जमा भी होता है, कब हिसाब किया है? 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेज का नहीं सोचते। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते हैं आओ। बाप दादा तो हरेक रत्न में उम्मीद रखते हैं कि यह अनेकों का उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार है वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा, इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई। समाप्त हुई व आरंभ हुई। इस ग्रुप का एग्ज़ाम परीक्षा नहीं लिया है क्या? जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते आएंगे तो फिर इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है? फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए गहराई की आवश्यकता होती है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना मजबूती होंगी। ऊपर ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती। जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतना ही अपनी मजबूती लाई होंगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ न कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ न कुछ क्यों कहते हो? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे, अभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अभी हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है, लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होंगे। ऐसे नहीं समझना कि भट्टी समाप्त हुई, लेकिन आरंभ हुई है। अभी सुनना हुआ फिर करना,
करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। इस ग्रुप की मुख्य खूबी यह देखी कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर वन है, वैसे एकांत में भी नंबर वन आना है। यह धारणा कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ होगा और एक काय ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने कारण एक की याद में रह नहीं सकेंगे। अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ हो, एक तरफ झूठा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय होगा। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेंगी, एकांत का आनंद अनुभव कर नहीं सकेंगे। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती है तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते हैं तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती। तो एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी कल गुम हो जाती है, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतींद्रिय सुख मिलता है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो, देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हो। हमेशा ये कोशिश करो हम औरों को करके दिखाएं। हमारे कर्म, हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए, कोई भी बात में फेल ना हो। इसके लिए सहज बात सुना रहे हैं तो कोई भी बात में फेल ना हो, इसके लिए एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वह फॉलो करो तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते हो। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना कि फॉलो फादर कर रहा हूँ। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए वह एक एक सीन भी सामने आ जाता है।
तो जब फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसे कार्य होंगे वह करने में ब्रेक आ जाएंगे, जज करेंगे। यह कर्म हम कर सकते हैं। फॉलो फादर, फादर कहने में दोनों ही आ जाता है। फॉलो फादर याद आने से फेल नहीं होंगे, दाग रहित बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं। माला में नज़दीक लाने लिए यह सहज युक्ति बता रहे हैं। देखना, आप जो सुनाई युक्ति आपसे पहले और कोई प्रयोग न कर ले। बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं, इसीलिए कहते हैं उम्मीदवार सितारे। विशेष स्नेह है तब तो ऐसे समय भी आए हैं। त्याग भी किया है ना, अपनी नींद का त्याग किया तो यह भी स्नेह दिखाया। बाप दादा अभी स्नेह का रिटर्न देते हैं। अभी जाने के बाद रिजल्ट देखेंगे। जाते हो आने के लिए, आना और जाना, जाना तो है ही लेकिन जाना है आने के लिए। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में अनुभवी होते जाएंगे उतना ही अव्यक्त मधुबन में आकर्षित हो आएंगे। अब व्यक्त मधुबन नहीं है। अच्छा, ओम शांति।